हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे, सब मज़े से होंगे और सबको भगवान अच्छे से रखे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होएगा कि अगर बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को हम करते हैं कोई स्पेसिफिक एरियाज में, किसी स्पेसिफिक रूट में चलाने के लिए अगर बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू किया जाता है, तो उस स्पेसिफिक रूट का परमिट कैसे मिलेगा, उस रूट का परमिट कैसे मिलेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या प्रोसेसिंग रहेगी, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात मुद्दे की करते हैं। अगर दोस्तों, अगर किसी को बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना है और वो स्पेसिफिक जोन में ही चलाना चाहता है अपनी गाड़ी को, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और स्पेसिफिक उस एरिया के जिस एरिया में चलेगी उसका आपको परमिट लेना पड़ेगा, मतलब तो एक अथोराइज परमिट। उसके लिए कुछ नियम फॉलो करने हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, दो रिसेंट पासपोर्ट फोटो जो ओनर होगा उस गाड़ी का, और रूट मैप, जो रूट पे आप चलाओगे गाड़ी को उसका पूरा रूट मैप, और इवन उसके साथ आप जहाँ पे उस गाड़ी को पार्किंग करते हो करोगे वहाँ की अथोराइज पार्किंग होनी चाहिए किसी ऑफिसर या रजिस्टर्ड ऑफिसर या अथॉरिटी ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर से वो अथोराइज होनी चाहिए उस जगह का मैप। फिर एक एनओसी होनी चाहिए जिसे बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और इसके साथ आपको 3 साल की आईटीआर कॉपी भी आपको जमा करनी पड़ेगी, और आपका फेयर चार्ट, और प्लस आपकी टाइमिंग, किस टाइमिंग आप उस गाड़ी को चलाओगे, किस टाइमिंग में वो सर्विस होगी। अब ये सारी चीज़ें मिला के आपको वहाँ आरटीओ ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जमा करनी होंगी। जब आप ये सारी चीज़ें जमा कर दोगे उसके बाद एक रिकनसाइंड करके आरटीओ ऑफिस की, हाँ जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट वेरी करके कि हाँ ये सही है, तभी आपको उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए परमिट दिया जाएगा कि आप इस प्लेस पे अपनी गाड़ी को रन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेसिफिक किसी रूट पे चलानी है, जैसे लोकल पैसेंजर्स को हम कह सकते हैं कि लोकल पैसेंजर आप पिक करोगे, ड्रॉप करोगे, तो उस एरियाज को कवर करने के लिए भी एक परमिट की ज़रूरत होती है। तो उसको पाने के लिए ये प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है, उसी प्रोसीजर में आप इसको यूज़ करके अपना परमिट ले सकते हो और बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को रन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने एक स्पेसिफिक बताया है कि अगर किसी स्पेसिफिक रूट पे आपको गाड़ी चलानी है लोकली, तो उसमें आपको इस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करना होगा, इस प्रोसीजर से आपको परमिट मिलेगा। और अगर आपको दूसरे कोई प्रोसेसिंग में अपनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस को, बस को चलाना है, उसके लिए प्रोसेसिंग थोड़ा अलग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये क्लासिफाई किया था कि अगर आप बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चलाना चाहते हो तो वो कम से कम क्लासिफिकेशन चीज़ों में है, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था 3 क्लासिफिकेशन किए थे कि आप बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को 3 क्लास में इस्तेमाल कर सकते हो, 3 क्लास में वर्गीकरण है इनका। तो ये पहला क्लासिफाई बताया है मैंने आपको, इसके बाद 2-3 वीडियो और मैं बताऊंगा जिसमें ये सारा का सारा फॉर्मेट कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।